स्वागत है जी तुहाडा इलाका भवानीगढ़ तो। एक वड्डी खबर आ रही है कि किसानी संघर्ष च शहीद होए किसान जो कि सकरौदी पिंड तो सन की अंतिम अरदास बीते दिन हुई। अंतिम अरदास तो बाद ग्रंथी सिंह वालों जेग वरताई गई सी ते हुण वह ग्रंथी सिंह करोना पॉजिटिव आ गए ने। यह खबर बाहर आउंदिया ही इलाके च हड़कंप मच गया है। पता लाया जा रहा है कि कि व्यक्ति अंतिम अरदास शामिल होए व्यक्तियों ने ग्रंथी सिंह तो जो करोना पॉजिटिव आए ने उन्होंने तो देख प्राप्त की है। हुण वह व्यक्तियों की भाल करके करोना चेक किया जा रहा है। प्रशासन ने भी बेनती की है, पिंड वासियों ने भी बेनती की है कि जो भी व्यक्ति अंतिम अरदास शामिल होए ने जिन्होंने भी देख ली है वो अपना करोना टेस्ट जरूर करवा लैन। मनप्रीत कौर, मैं इतने कम्यूनिटी हैल्थ अफसर की पोस्ट के उत्ते हाँ पिंड सकरौदी विखे। बहुत सहयोग आ पिंड का। कल भी असी मतलब 28 ने जोड़े सैंपल 28 जन की सैंपलिंग की आ। इन्हों भी बहुत परवाह है पिंड वालू भी। इन्होंने अपना सारे ने अज भी सैंपलिंग हो रही है इतने, तो मैं स्टार्ट करती अज भी सैंपलिंग। हूँ तक हाले तो 4 मरीज़ की हुई है, बाकी हौली हौली आ जाएंगे। असी अनाउंसमेंट करवाती है भी जिन्हों भी लगता है ना सैंपलिंग वाला भी जोड़े उस दिन भोगते आए थे ज कुछ भी लक्षण लगते हैं खंघ जुकाम बुखार के, वो अपनी सैंपलिंग इतने आके करवा सकते। असी इतें आ जाना। रिपोर्टा उन्होंने सारे दिन नैगेटिव आई ने जी। उन्होंने किसी को भी कोई भी साइन एंड सिमटम खंघ जुकाम बुखार किसी नहीं सी, पर असी सिर्फ शक के आधार पर की। पर सारे की रिपोर्ट अज तक नैगेटिव ही आई है, किसी की पॉजिटिव नहीं आई। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह जी, पिंड सकरौदी। यह दिल्ली मोर्चे के साडे पिंड का किसान गया है जी करमजीत सिंह, उसकी 23 तरीक न डैथ हो गई सी। जिदा संबंध के एक तरीक न भोग रखा है जी, तो भोग के सारा कुछ नगर मतलब कीर्तन वगैरह किया बाबा जी ने। शाम को उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। उन्हां दी रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद जानी जिमें जिमें लोगों को पता लगता रहा, वैसे तो कल सारे पता लग्या जानी 2 तरीक न, तो जानी हुण पिंड दे विच सहम दा माहौल आ। जिहड़े जिहड़े मतलब गुरद्वारा साहब आए ने जां जिन्हां ने देख लई आ जानी वह सारे डरे हुए ने भी हो सकता ये नामराद बीमारी किसी नूं भी चिंबड़ सकदी आ। मैं जी हले नहीं कराया टैसट। कल सेहत विभाग वालों टीम आई थी जी। उन्होंने कहा भी जिहड़े ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨੇ ਟੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੌਂਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕੱਲ ਲੌਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਕਲੌਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 31 ਤਰੀਕ ਆ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 4 ਵਜੇ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਐਸਲੋਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੇ ਰਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਜੀ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋੜਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਬੋੜਾਂ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਬੋੜਾਂ ਕਲਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ।
उन्होंने उत्थे पता लग्या भी वह ग्रंथी सिंह सकराउंदी रहिंदे ने जी, वो टीम सकराउंदी आ गई जी। उदू बाद डिस्पेंसरी दे विच आई जी, बाबा जी भी उत्थे जी जवाकों नूं लैके गए हुए थे जी टैसट कराने वास्ते जी। तो टीम ने जाके आके जी इन्हों अंदर गुरुद्वारा साहब के कमरे के अड्डा इन्हों क्वारंटाइन करता जी 15 दिन वास्ते जी। इन्होंने किट देती जी उन्होंने जी। तो उदू बाद जी समझ लो जी सारे पिंड जिन्हें भी ग्रंथी सिंह के लवे लाने लगते थे बंदे जी, उन्होंने सारे आपके टैसट करवाए ने जी। वो सारे ठीक आए ने, कोई किसी आया नहीं, यही गल जी। अज फिर वो टीम आई हुई है जी डिस्पेंसरी के, अज फिर वो सारे ने टैसट कर रहे हैं जी। माहौल होया जो पता लग्या पिंड बहुत सहम का माहौल हो गया जी, बहुत हरेक बंदे महसूस होया भी बहुत काम गलत होया जी, ये तो भी होना नहीं चाहिए जी। ग्रंथी सिंह पहला जो बखार दस देना चाहिए थी जी, भी कुछ जी ग्रंथी सिंह की पता लग्या कि उन्होंने जी पत्नी है वह भी पॉजिटिव आई है। हाँ जी, वो पता लग्या जी, पहला कुछ दिन तो पहला ढिले थे जी, उन्होंने सू दसा नहीं है जी भी ढिले ने जी। तो उदू बाद जी ग्रंथी सिंह की रिपोर्ट है इन्हें 31 तरीक न कराई है जी। ये तकरीबन 1 तरीक न 4:30 बजे 4 बजे के गेट से सूँ पता लगे जी भी वह इनू है जी पॉजिटिव ने जी। तो उदू करके ये अंदर करते जी कमरे के जी। तो पिंड का की सहयोग रहेगा? पिंड का पूरा सहयोग रहेगा, जी टीम आएगी पूरी नगर वालों पिंड पंचायत वालों सारे वालों गुरुद्वारा कमेटी वालों पूरा सहयोग देवे जी। असं पिंड बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी, वो तो वह टैसट कराओ जी, तुम्हें ये तो बीमारी तो भयानक बवाई तो बचो जी, पहला बचत हो सकती बाद कोई बचत नहीं जी। यदि मेरा नाम जीवन सिंह जी, सरपंच मेरे मिसेज ने जी। जी की कहना चाहते क्योंकि पिंड का जो ग्रंथी सिंह है वो पॉजिटिव आया, पिंड वासियों की कहना चाहते? पिंड वासियों रिपोर्ट करवानी चाहिए जी, भी ऐ भी चलो पता लग जाता अगले भी की रिपोर्ट के नैगेटिव आ पॉजिटिव आ अपनी, भी चलो डर चक्या जाता बंदे का। होर की कहना चाहते पिंड वासियों? यही कहना चाहते भी मूहरे होकर सारू आप आप रिपोर्ट करवानी चाहिए जी। हस्पताल सरकारी जी पहला अद्धे घंटे वाली रिपोर्ट थी पता लग गया है नहीं उसे कुछ मतलब कि कोई इदा सीमेंट कोई इदा कोई तकलीफ तो